दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपकी रेलवे एनटीपीसी आंसर की है वो उसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। तो जल्दी से जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो आपको कैसे चेक करना है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। चेक नाउ वीडियो, कैसे चेक करें, हाउ टू चेक योर आंसर की, शेयर और कमेंट। ये यानी कि जैसे ही मैं आपको ये देखिए लॉगिन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप जो है अपने जो आंसर की है उसको देख सकते हैं और उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपके मार्क्स हैं उसको कमेंट में शेयर करना है जिससे हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बता सकें, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं सीधे आपको इसकी वेबसाइट पर ले जा सकता हूँ, लिए चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर आना है, ठीक है। होम स्क्रीन पर आते ही आपको जो है गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर टैप करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे RRB बोर्ड भोपाल या जो भी RRB आपको डालना है वो डाल सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आते ही इस पर क्लिक करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल को, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए ये CEN वाला, तो इस पर आपको एक क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ठीक है नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना हो, इस वाले पे आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे आपको जो है आपका जो है वो पासवर्ड डालना है, ठीक है। नीचे आप देखिए आपको आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो पासवर्ड है उसको डाल देना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे करेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से लॉग इन करके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फिल करके बता देता हूँ इसके बाद जो इंटरफेस आएगा वो कैसा रहेगा। तो देखिए उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखिए इस पर क्लिक करना है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट RRB करके, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपको जो है PDF फाइल डाउनलोड होने को मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने जो मार्क्स हैं उनको कमेंट में जो है आप शेयर करें जिससे हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।